हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहने वाली है फेब मंथ में, और आपके रिश्ते में क्या बदलाव आने लगेंगे, क्या आउटकम रहेगा। कुछ गाइडेंस भी हम देखेंगे कि या क्या खुद में चेंजेस लाने से, बदलाव लाने से आप इस रिश्ते को और बेहतर बना सकते हो। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल क्या हो सकता है और फेब मंथ में कौन सी डेट आपके लिए फेवरेबल रह सकती है। धनु राशि के पार्टनर का इनिशियल क्या होगा और कौन सी डेट फेवरेबल रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनिशियल एन, एम, पी, वाई, एफ, ए, यू, ई, टी, आर एंड कोई भी एक्स आपका फिर से लौट कर आ सकता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, एन, एम, पी, वाई, एफ, ए, यू, आर, ई, टी, एक्स। और डेट कौन सी फेवरेबल रहेगी, तो 5, 1, 7, 6, 8। तो 1, 7, 17 भी हो सकती है, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 8, 18 एंड 1, 5, 7, 6, 8। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये डेट्स आपके लिए फेवरेबल रही है। और अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहती है। धनु राशि देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स फेब मंथ में आपके लिए कैसी रहने वाली है। पेशेंस क्यों आया है यहाँ पर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ओके, ठीक है। और सॉरी, आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली है धनु राशि आपके पार्टनर के लिए। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है डू टू रोमांस, सारे रास्ते खुल रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहेगी पेशेंस एंड गॉडेस ऑफ द मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो सकते हैं, उनका जो एक पेशेंस लेवल था वो ख़त्म हो सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि यस, ये मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है और अभी मुझे इस रिश्ते के बारे में आगे सोचना चाहिए। और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पेशेंस रखा है, इतने टाइम तक उन्होंने बहुत डिवाइन टाइम का इंतज़ार किया है। लेकिन ये जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट आपसे कनेक्ट होंगे, तो इसकी वजह से वो किसी डिसीजन पे आ सकते हैं, कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। और अपने मन की सारी बात, अपने मन की जितनी भी उनके मन में फीलिंग्स चल रही है आपके लिए, वो बिना सोचे समझे आपको कह देंगे। 77 की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, तो डेफिनेटली 7 डेट आपके लिए लकी हो सकती है। और 77 जो है वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग से ना सोचकर और जल्दी से, मतलब बिना सोचे समझे वो कह देना कि भाई मुझे ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है फेब मंथ में। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ चक्रा, तो यस, कम्युनिकेशन की बात करता है फिफ्थ चक्रा। और वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो यस, जो भी दिल में है वो कह देना। अगेन ये कार्ड ये ही कह रहे हैं, हो सकता है वैलेंटाइन के दिन आपको आपके पार्टनर जो है अपने दिल की सारी बातें कह दे, एक कमिटमेंट दे दे, आगे इस रिश्ते की शुरुआत एक हाइयर लेवल से कर दे। और मेरे 44 की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये स्टेबिलिटी को दिखाता है, डेफिनेटली कमिटमेंट दिखाता है और सगाई या शादी तक भी ये बात जा सकती है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे डो टू हीलिंग, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सिक्स चक्रा। तो यस, कुछ जो अभी तक आपके मन में डाउट्स थे इस रिश्ते को लेकर, क्लैरिटी नहीं थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि चीजें कैसे होंगी, कैसे हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, जो भी डाउट मन में थे वो सब क्लियर हो रहे हैं। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी डिवाइन की हीलिंग आपको मिल रही है जिससे कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, इस रिश्ते में खुशियां आने वाली है, क्योंकि हम बात इस रिश्ते की कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स जो है वो भी एक कमिटमेंट चाहती है,
आप भी चाहते हैं कि जो भी मन में है वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। डिवाइन से अगर बहुत टाइम से आप अगर कुछ चीज मांग रहे हैं, अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ आप अपने मैसेजेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट, सगाई, शादी की मैसेज डेफिनेटली मिल सकता है। आपकी फीलिंग्स यहाँ पर कहती है द सन और एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है, तो यस सक्सेसफुल रहेगा आपका ये महीना आपके इमोशंस के लिए। आपके इमोशंस 100% बैलेंस रहेंगे, खुशियाँ आएंगी और एक मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आपको आती मिलेगी ही मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। और सक्सेस करियर में भी यहाँ पर मुझे ग्रोथ और सक्सेस यहाँ पर दोनों नजर आ रही है। डो टू रोमांस कार्ड कहता है कि सारे रास्ते खुल रहे हैं, सारे दरवाजे खुल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या रहेगा आपका फेब मंथ इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को लेकर फेब मंथ क्या रहने वाला है आपके पार्टनर के साथ सेजिटेरियस धनु राशि के लिए। ओके, कैसा रहने वाला है ये महीना आप दोनों के इस रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। तो देखिए इतने टाइम से जो पर्सन सिर्फ सोच रहा था कि मेरा ये रास्ता क्या है, क्या मुझे इस रिश्ते में जाना है कि नहीं जाना है, वो फेब मंथ में एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया है। बहुत ज्यादा पैशन, बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए फील करने लगा है, बहुत ज्यादा रोमांस आपके लिए फील करने लगा है। द हर्मिट यहाँ पर कहता है कि यस, जो आपकी किस्मत में है वो चीजें आपको मिलने ही वाली है। जो लग्जरीज, जो प्यार, जो चीजें आपको अभी तक नहीं मिली थी ना, उसकी शुरुआत हो जाएगी इस रिश्ते में फेब मंथ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटकल्स, तो ये कार्ड भी यहाँ पर कहता है कि बहुत ज्यादा आपने इमोशनल हर्ट बर्दाश्त किए होंगे, बहुत ज्यादा तकलीफें आपने देखी होगी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे बहुत समय से, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इस एनर्जी में आपके पार्टनर थे। देखिए ऐसा उनको लग रहा था कि ये जो पार्टनर है मेरे, वो मुझे जो सेजिटेरियस है उनके लिए, उनके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे कि उन्होंने मुझे बहुत डोमिनेट किया है, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मतलब कि हैरेस किया है कि मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। तो अभी वो इस इमोशनल इश्यूज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। फेब मंथ जो होगा उनके फेवरेबल होगा और उन्हें समझ आएगा, वो एक दिशा पकड़ लेंगे और समझ आएगा कि अब चीजें कैसे ठीक करनी है। द लवर्स और उसके साथ फाइव ऑफ कप्स देख सकते हैं आप दोनों कार्ड। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा दर्द भी दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के पेन से बाहर आएंगे। देखिए पास्ट में जितने भी हर्ट हुए हैं, जितना भी दर्द मिला है, जितनी भी तकलीफें एक दूसरे को दी है आप दोनों ने, और उस चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेब मंथ है आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। और वैसे भी ये वैलेंटाइन मंथ है, पूरे महीने इसकी एनर्जी चालू रहती है, तो ये एनर्जी जो है आपको इस सिचुएशन से यहाँ तक लेकर आएगी। डेफिनेटली इस सिचुएशन से आप यहाँ तक आएंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या रहा है। चलिए हम देखते हैं कि फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का फेब मंथ के एंड तक। देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। बहुत ज्यादा तो आगे हम नहीं देखेंगे, लेकिन यस फेब मंथ के एंड तक ये रिश्ता किस मूड पर आएगा। हो सकता है कि आप और आपकी जो पर्सन है वो किसी कंडीशन में बंधे हुए हैं अभी। हो सकता है उनपे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बर्डन है, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ बहुत स्लोली आ रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपकी तरफ नहीं कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि उनके ऊपर जो ये जिम्मेदारियां हैं, जो ये बर्डन है, उसको उन्हें कम्प्लीट करना है। तो ये बर्डन मुझे फेब मंथ के एंड तक कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, मॉरेलिटी है, तो ये दोनों ही कार्ड मुझे दिखाते हैं कि एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन उनका होगा, कुछ नया वो अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और
आपके साथ वो मतलब कि एक कनेक्शन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट होंगे। हो सकता है थोड़ा आप उनके साथ रूडली हो जाएं, हो सकता है आप कुछ ऐसा कह दें जो आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उन शब्दों की वजह से, उन बातों की वजह से वो थोड़ा सा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आए और वो सोचे कि यस, अब मुझे एक शुरुआत करने की जरूरत डेफिनेटली है। इंटीग्रेशन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि दिखाता है कि यस, ये जो कार्मिक साइकिल आप दोनों मतलब कि कर रहे थे, कार्मिक साइकिल में जिसमें आप थे, वो अभी फेब मंथ कंप्लीट करने वाला है। अब आप दोनों का मिलन होने वाला है एक दूसरे के साथ और आप दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। डिवाइन आपको बताने वाला है कि भाई कौन आपका पार्टनर है, कौन सही है, कौन गलत है। थोड़ा सा सतर्क रहे, डिवाइन जो भी आपको इंट्यूटिव मैसेजेस देते हैं उनको समझने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जवाब मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या कह रहे हैं यूनिवर्स हमको, तो 2 मिनट, क्योंकि ये केतु का कार्ड है और ये साल जो है वो केतु का ही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपने ब्रीथ पे फोकस करें और उन भगवान को याद करें जिनसे आप जवाब चाहते हैं या यूनिवर्स से जवाब चाहते हैं। तो अपनी एनर्जी को सरेंडर कर दें यूनिवर्स को कि यूनिवर्स प्लीज मुझे कोई मार्गदर्शन दे, मुझे समझाएं कि इसमें मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाईज मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आपके लिए इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या गलत आप कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार परेशानी होती है, क्या सुधार लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है इम्पार्शियलिटी। ओके, देखिए स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। परसेप्शन, परसेप्शन कार्ड यहाँ कहता है कि थोड़ा सा अपना सोचने का नजरिया आपको बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा बटरफ्लाई क्या करती है, खुशियां देती है। जैसे ही हम बटरफ्लाई को देखते हैं हमें लगता है वाह कितने ब्यूटीफुल है, वैसा बनने की कोशिश करिए कि जहाँ आप जाएं वहाँ पे लोग आपकी तारीफ करें, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, वाह कितने ब्यूटीफुल आप हैं। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, बहुत लविंग बने। अगर आप हार्श हैं तो थोड़ा लविंग बनने की कोशिश करें, लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बहुत आसानी से आपने उनका दिल जीत लिया है। परफेक्शन, तो हर चीज में परफेक्शन अगर आप ढूंढोगे तो आपको चीजें ठीक नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई चीज परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो उसको ठीक आप कर दें, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि वो ही चीजें ठीक करेंगे तभी चीजें ठीक होगी, तो थोड़ा सा अपने परफेक्शन पे भी फोकस करें। ओके, तो मिस्टेज में अगर ऐसा है कि आप अपनी हर एक छोटी से छोटी बात अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, आपके मन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पॉजिटिव आप किसी के लिए बोल रहे हो या नेगेटिव बोल रहे हो, आपने बस बोल देना है कि मैं तो सही हूँ, मेरे को कुछ नहीं छुपाना है, मुझे बोल देना है, तो क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत क्लोज वन भी होते हैं तो उनके सामने आप वो नहीं कह सकते जिससे कि उनका दिल टूट जाए। तो थोड़ा सा मिस्टीरियस बनने की कोशिश करिए, अपनी हर बात को शेयर करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि इससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है। रिन्यूअल, अगर किसी तरह का झगड़ा है तो रिन्यू करें। और ये कार्ड ये भी कहता है कि 2023 नया साल शुरू हुआ है, तो इसमें अपने आप में भी बदलाव लेकर आए। एक पेन लें और उस लिखे आप एक पेपर में कि आप में अपने आप में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। अगर वो बदलाव आप में आएंगे तो आप देखेंगे रिश्ते ठीक होने लगे हैं। फॉरगिवनेस, माफ करना सीखिए जिससे कि रिश्ते बैलेंस हो जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, यूनिवर्स आपको रिप्लाई दे रहा है कि अगर आप किसी बात को लेकर बैठ जाते हो, किसी से आपकी भावना ऐसी रहती है कि अब तो बस मैं इसे माफ नहीं करूंगा, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो बदला लेकर रहूंगा, तो उस एनर्जी से आप नहीं निकल पाओगे, कभी भी नहीं निकल पाओगे उसमें, आप ही को परेशानी होगी। तो बेहतर है कि आप माफ करके अपने रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करें। चलिए लास्ट में हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। धनु राशि, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ ठीक है,
यू डिजर्व लव. आपके पार्टनर को पता है कहीं ना कहीं कि तुम प्यार ही डिजर्व करते हो, तुमने अपना इतना कुछ सबको दिया है कि अब तुम्हें भी प्यार मिलना चाहिए. मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक. यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़े एफर्ट्स लगाओ इस रिश्ते को लेकर. अगर तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे, मुझे से ही उम्मीद रखोगे, तो कैसा होगा? हो सकता है आपकी तरफ से एफर्ट्स की कमी हो, तो क्यों ना इस फेब मंथ में, वैलेंटाइन मंथ में कुछ एफर्ट्स लगा दिए जाए. रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स है. प्लेफुलनेस, अगेन ये रोमांटिक फीलिंग्स को ही दिखाता है, और एक अच्छे ब्यूटीफुल टाइम को आप वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं. एक्सप्रेस योर लव, वो चाहते हैं कि तुम भी एक्सप्रेस करो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है. सॉरी. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का ट्रस्ट इशू है या कोई भी नेगेटिव आप उनके लिए सोचते हैं, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा ये रिलेशन अच्छा रहे. तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग फेब मंथ के लिए. वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका मैसेज आप तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच.